अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे जन सरोकार की बातों की। हमने आपको एक खबर दिखाई थी, एक खबर के बारे में जानकारी दी थी कि कोडरमा के सतगावा में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 2023 में भी नदी पार करके स्कूल जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये क्या कह रहे हैं। जी हाँ, कल हमने खबर भी दिखाया था बकायदा, और इस खबर का असर भी हुआ है। पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि कोडरमा के सतगावा में एक ऐसा गांव है जहां बच्चे आज भी प्रशासन की उदासीनता कहें या सिस्टम की लापरवाही के कारण कहें, आज भी बच्चे एक नदी को पार करके, उस नदी का नाम है सकरी नदी, सकरी नदी को पार कर स्कूल पढ़ने जाते हैं। हालांकि एक और स्कूल है जिसे सड़क मार्ग से जाया जा सकता है, लेकिन वो स्कूल बहुत दूर है। आसपास में एक ही स्कूल है जिसे नदी पार करके जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार गुहार लगाई थी कि पुल का निर्माण कराया जाए, लेकिन सिस्टम की लापरवाही किसी से छुपी नहीं है। हालांकि भारत न्यूज 24 ने जब इस खबर को, इस बच्चों की समस्याओं का बीड़ा उठाया था, तब हमने ये सोचकर इस पूरे मामले को सामने रखा था कि जनता तो हमारी बात सुनेगी, और जनता सुनी ही सुनी, अधिकारियों की भी इस बार नींद खुली है, प्रशासन भी जागा है। भारत न्यूज 24 के खबर चलाने के बाद जिला प्रशासन कोडरमा का जागा है, और इस मामले पर खुद डीसी आदित्य रंजन ने संज्ञान लिया है। पूरी जानकारी हम आपको धीरे धीरे करके बताते रहेंगे, लेकिन अब उस पुल के निर्माण को लेकर, जो पुल नदी को, दो गांव को कनेक्ट करता है, एक तरह से कहें जोड़ेगा, अब उस पुल के रिपोर्ट को लेकर डीसी ने खुद मांग की है। क्या है पूरा मामला, भारत न्यूज 24 की खबर का असर कैसे हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। शिक्षा जरूरी है संस्कारों की, संस्कृति की रक्षा के लिए। शिक्षा जरूरी है कर्मों की, कर्तव्यों के निर्वाहन के लिए। शिक्षा जरूरी है नियमों की, अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। हम समस्या में नहीं, समाधान में विश्वास रखते हैं। भारत न्यूज 24 की शुरुआत के समय हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि हम आम लोगों की आवाज बनेंगे। हम आज भी अपने वादे पर कायम हैं। हमने कोडरमा जिला के सतगावा की खबर दिखाई, हमने आपको बताया कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लाख दावे के बाद भी किस तरह से छात्रों को अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता है। कोडरमा जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर सतगावा के नक्सल प्रभावित मीरगंज पंचायत के बिहार बॉर्डर स्थित कानी केंद्र गांव के दर्जनों बच्चे पढ़ने के लिए प्रतिदिन नदी को पार कर अपग्रेड उच्च विद्यालय पोखरडीहा पहुंचते हैं। जरा सोचिए इन मासूम बच्चों के परिजनों के बारे में कि अपने बच्चों को स्कूल भेजते वक्त उनकी मनोदशा कैसी रहती होगी। कब नदी का पानी बढ़ जाए और कोई अनहोनी हो जाए, इन बातों का ख्याल उनके मन को कौंधता होगा। करीब 10-15 के आसपास आते हैं, ज्यादातर के लोग पोखरडीहा के रहते हैं, भखरा रखते हैं, कटैया के, वहाँ गझड़ के रहते हैं और काने केन के रहते हैं। ज्यादातर लड़कियाँ होती हैं और कुछ लड़के भी साथ में आते हैं, और बहुत इधर जोर झड़ास बहुत होता है इधर। दरअसल जिस गांव के बच्चे नदी पार कर स्कूल जाते हैं, उनके पंचायत में भी स्कूल है, लेकिन इस स्कूल तक पहुंचना काफी कठिन है। इस स्कूल तक जाने के लिए इन्हें 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। यातायात की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण इन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद इनके पास एक ही विकल्प बचता है, नदी पार कर पोखरडीहा अपग्रेड स्कूल जाना। इसके लिए भी स्कूली बच्चों को लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक पैदल सफर तय करना होता है। ग्रामीणों ने कई बार पुल बनाने की मांग उठाई, लेकिन उनकी सुने तो सुने कौन। वो सरकंडा से सटा हुआ है, और वहाँ जो है पोखरडीहा की जो दूरी है कम है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है। और नदी उस पार, उस जो है कानिकेन पड़ता है, नदी उस पार पोखरडीहा, और नदी पड़ता है उस कानिकेन के सारे बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं, पोखरडीहा में पढ़ने आते हैं, और लगभग उनका आना जाना इसी रास्ते से होता है। एक बार अगर बाय चांस बीच में घुस जाए, आ जाए, तो बीच में अगर बाढ़ आ गया तो सीधे अगर चल जाए सकरी नदी। कितने बच्चे आते हैं? वही तो बात, 15-16 इसी करके आते हैं। भारत न्यूज 24 ने जब खबर को प्रमुखता से दिखाया, तब जाकर कहीं जिला प्रशासन की नींद खुली।
कोडरमा उपायुक्त ने मामले को संज्ञान में लेते हुए रिपोर्ट की मांग की है। जिला प्रशासन अब पुल बनाने की बात कह रहा है। उसमें बातें सामने आई है, काफी हद तक उसमें सच्चाई है और उस सच्चाई से रूबरू होते हुए डीसी साहब ने तत्काल निर्देश दिया है कि उस पे अग्रतर कार्रवाई किया जाए। हम जिला प्रशासन की पहल का स्वागत करते हैं। पुल का निर्माण हो जाता है तो यहाँ के बच्चों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी, आम लोगों के लिए आवागमन सुलभ हो सकेगा। भारत न्यूज 24 की पहल भी यही है कि हमारे माध्यम से समस्याओं का समाधान हो। कोडरमा से कुंतलेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज 24। इसी खबर पर और भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने पर हमें गर्व महसूस हो रहा है। जो बच्चे नदी पार करके 2023 में भी स्कूल जा रहे थे, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था, आखिरकार हमारे खबर दिखाने के बाद, भारत न्यूज 24 के खबर दिखाने के बाद असर यह हुआ है कि खुद जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है, उस गांव में पुल निर्माण को लेकर रिपोर्ट की मांग की है। आपके पास पूरी जानकारी है, दर्शकों से साझा करें। एक पत्रकार के तर्ज पर आयुष, जो बातें आपने बोली वो बातें बहुत सुकून देने वाली हैं। असल में क्या होता है कि एक पत्रकार की पूंजी यही होती है जी, कि उसकी किसी खबर ने क्या समाज में कोई बदलाव लाया है या नहीं लाया है। जी बिल्कुल, मैंने कल भी दुष्यंत की लाइनें कही थी, आज फिर कह रहा हूं कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए और सूरत बदलेगी ऐसी हमें उम्मीद है। हाँ, इसमें कल रात में मेरी कोडरमा के जो जिलाधिकारी हैं, डीसी हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी फोन पे। उन्होंने बताया कि मतलब सबसे पहले तो उन्होंने साधुवाद दिया इस खबर के लिए भारत न्यूज 24 का, और उन्होंने कहा कि ये उनके संज्ञान में नहीं था। खबर दिखाए जाने के बाद वहां के जो बीडीओ हैं उन्होंने एक चिट्ठी बनाई, वो चिट्ठी डीसी सर के पास पहुंची, डीसी के पास पहुंची, डीसी ने उस चिट्ठी को अपने जो उनका मंतव्य है उसके साथ ऊपर बढ़ा दिया, जिसके बाद पुल निर्माण के लिए इसमें गहमा गहमी शुरू हो गई है जी। पुल बनेगा, सरकारी प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में जो समय लगता है वो लगेगा, लेकिन डीसी ने इसका तकलीकी पहलू समझाया कि ये बिहार झारखंड के बॉर्डर का गांव है जी। बिल्कुल, सहयोगी कुंतलेश जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे इसके बारे में ज्यादा कि बिहार झारखंड के बीच बॉर्डर का गांव है, तो तकनीकी समस्या यही आ रही थी। दो गांव है, कनिकेंद जो कि दूसरे मीरगंज पंचायत का हिस्सा है, और पोखरडीहा है, पोखरडीह गांव है जो कि दूसरे पंचायत का हिस्सा है। अब दोनों पंचायतों के बीच में 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है जी। बिल्कुल, और उत्क्रमित विद्यालय जो है वो पोखरडी में, तो बच्चों को पांचवी से ऊपर के अगर सरकारी स्कूल के बच्चे हैं तो कनिकेंद के बच्चों को पांचवी से ऊपर की पढ़ाई के लिए इस सकरी नदी को पार करके गुजरना पड़ता है। हालांकि फिलहाल बहुत ज्यादा बारिश हुई नहीं है तो पानी बहुत ज्यादा है नहीं नदी में, लेकिन बरसात जब अपने पूरी शबाब पर होती है, अभिषेक अनहोनी तो कोई न्योता देकर नहीं आती है, पर होती है जो अनहोनी है वो तो न्योता देकर नहीं आएगी कि हम आ रहे हैं, कोई वार्निंग चेतावनी देकर तो नहीं आएगी। ठीक है, अब जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी कुंतलेश के पास हम जाना चाहेंगे, हमारी खबर का असर हुआ है कुंतलेश, लेकिन जो तकनीकी पहलू है जिस पर जिलाधिकारी महोदय चर्चा कर रहे थे, हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। ये जो सकरी नदी है और ये जो दो गांव हैं, दो पंचायत अलग अलग हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इलाका जो है वो बिहार में भी पड़ता है और ये बॉर्डर से सटा हुआ बिल्कुल इलाका है, तो क्या इसमें जो प्रोसेस है, तकनीकी प्रोसेस जो है जिसमें पुल निर्माण होना है, इसमें किसकी किसकी सहमति बननी चाहिए जी? क्योंकि कानिकेंद पंचायत से बच्चे आते हैं पोखरडी पढ़ने के लिए, और कानिकेंद में पंचायत में भी एक हाई स्कूल है जिसकी दूरी उस गांव से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर पड़ती है जी। और चूंकि दूरी अधिक होने के कारण नदी के जस्ट पार करके 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर पार करके बच्चे पोखरडी पढ़ने आते हैं नदी के कारण, क्योंकि सड़क मार्ग के द्वारा भी जाया जा सकता है उस गांव में, कनेक्शन के लिए पुल का निर्माण किया गया है, लेकिन उसे दूरी 15 से 20 किलोमीटर लग पड़ती है, जो वहां से अधिकांश लोग उधर से आना जाना पसंद नहीं करते हैं। इस मामले खबर चलने पर मामला संज्ञान लेकर जिला उपायुक्त ने संज्ञान लिया है और पुल निर्माण की प्रक्रिया पे आज बातचीत हुई है उनसे।
हो सकता है कि प्रोसेस आगे बढ़े, लेकिन जब तक बढ़े तब तक अभी भी इस पर स्थिति जो है वो नदी में पानी है, बच्चे आते हैं जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सतगावा प्रखंड जो जिला मुख्यालय तक में 70 किलोमीटर दूर है जी, बिल्कुल। सतगावा के अधिकांश लोग जो है अपने मुख्य दिनचर्या के बाजार के लिए या फिर सामान खरीदने के लिए बिहार के जिला नवादा जिला जाते हैं, उनका अधिकांश समय नवादा जिला में गुजरता है। जिला मुख्यालय या झुमरी मुख्य बाजार जो है जिला का, वो कम ही आ पाते हैं। और जो काने केंद्र पंचायत जो है वो बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र से सटा हुआ है, वहां से मात्र हम 1.5 किलोमीटर काने केंद्र पंचायत से 1.5 किलोमीटर में बिहार का क्षेत्र पड़ता है, बॉर्डर एरिया है। तो भी सुदूरवर्ती क्षेत्र होने के कारण, वहां सुविधा संपन्न नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। हमारे साथ बने रहिएगा कुंतलेश, हम एक अहम बिंदु पर चर्चा करना चाहेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक के साथ। अभिषेक ठीक है, जब पुल बनेगी तो बनेगी, ठीक है, मामले का संज्ञान प्रशासन ने लिया है, जिलाधिकारी ने लिया है, ठीक है, लेकिन अभी ये बरसात के दिनों में एहतियातन के तौर पर प्रशासन अब क्या एक्शन लेने वाली है, क्योंकि पुल निर्माण होने में बहुत वक्त लगेगा, अभी तकनीकी चीज़ें हैं, अभी जमीन अलॉटमेंट को लेकर और भी कई परेशानियां होंगी। ठीक है, हम मानते हैं कि पुल निर्माण में वक्त लगेगा, अभी एहतियातन के तौर पर जिला प्रशासन क्या एक्शन इस पर ले सकती है? आयुष, सबसे बड़ी चीज इसमें समझना पड़ेगा कि जो पहली चुनौती है प्रशासन के सामने वो क्या है जी। पहली चुनौती ये है कि बच्चे नदी को पार करते हैं जी, पढ़ने जाने के लिए, ठीक है, मतलब नदी में कभी भी बाढ़ आ सकती है, कोई अनहोनी हो सकती है। तो प्रशासन के लिए पहली चुनौती ये है कि इस जो बच्चों के साथ अनहोनी होती है इसको रोकना। इसको कैसे रोका जाएगा? उसी प्रखंड में कोई एक नजदीकी स्कूल को उत्क्रमण करना, मतलब पांचवी से ऊपर की पढ़ाई। देखिए, होना यह चाहिए कि हर 5 किलोमीटर के दायरे में, हर 5-5 किलोमीटर के दायरे में एक उत्क्रमित स्कूल होना चाहिए जी, बिल्कुल। क्योंकि पांचवी से ऊपर के बच्चों को, मान लिया कि वो पैदल जाते हैं तो 5 किलोमीटर से ज्यादा वो दूर जा नहीं सकते। तो इसको लेकर के भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि मैं एक बार यहाँ की डेमोग्राफी क्या है, क्योंकि स्कूलों को जो उत्क्रमित किया जाता है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है, कुछ नियम होता है। नियम यह होता है कि उस इलाके की डेमोग्राफी क्या है, पॉपुलेशन कितना है, कितने पॉपुलेशन पे, मतलब कितने बच्चों को लेकर के एक स्कूल है जी। स्कूलों की क्या स्थिति है, क्या वहां पर स्कूल दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, इन तमाम चीजों को अभी एनालाइज किया जा रहा है, इसको समझ रहे हैं। वीडियो से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है, वीडियो साहब इसकी रिपोर्ट जैसे ही दे देंगे, इसको लेकर के प्रशासन का एक्शन नजर आ जाएगा। आयुष जी, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। ये थे हमारे सहयोगी अभिषेक, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी से बात की, और मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में जाने के बाद भारत न्यूज 24 के खबर का असर हुआ है, और अब पुल निर्माण को लेकर रिपोर्ट मांगा गया है, साथ ही साथ स्कूल कहां कहां है, डेमोग्राफिक व्यवस्था क्या है, इसको लेकर भी जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया। हमारे साथ कुंतलेश लगातार बने हुए थे, कुंतलेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत न्यूज 24 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी कि कोडरमा के सतगावा के बच्चों को कितनी परेशानी हो रही है, कानी केंद्र गांव के बच्चों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सिर्फ अपनी शिक्षा के लिए, अपनी हक के लिए। लेकिन भारत न्यूज 24 ने यह बीड़ा उठाया है कि हम समस्याओं में सिर्फ भरोसा नहीं रखते, हम समाधान में भरोसा रखते हैं। समाधान हुआ है, ठीक है, वक्त लगेगा, त्वरित तौर पर अभी शायद पुल का निर्माण ना हो सके, लेकिन जिला प्रशासन के पास जो इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी, जानकारी पहुंच गई है। जिलाधिकारी महोदय खुद इस पर अब एक्शन ले रहे हैं।